मीन प्राइमरी और हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम करीब जामे मस्जिद बसवा के लिए दादा प्राइमरी एंड हाई स्कूल फ्री एडमिशन फ्री बुक्स फ्री यूनिफॉर्म पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम अपोजिट गवर्नमेंट गर्ल्स मेरिनोडीन साइंस एंड कॉमर्स पीयू कॉलेज होलसूर सेपरेट चंद बसवा स्कूल ऑफ नर्सिंग मेन रोड सस्तपुर बैंगलोर बसवा कल्याण एडमिशन IV/05/2024 हिंदुस्तान में MP के इंतखाबी नतीजे का दिन इसलिए तमाम कांग्रेसी कारकुनान लीडरान और बसवा कल्याण की बड़ी तादाद जमा हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेदर जिला से अपने बेहतरीन कांग्रेस MP उम्मीदवार श्री सागर खंडे की जीत पर खुशी का इजहार भी किया। बसवा कल्याण कांग्रेस कायदीन जिसमें अजहर अली नौरन नकनत राठेवर सूबी कांग्रेस म्यूनिसिपल कारपोरेटर्स बसवा कल्याण कांग्रेस पार्टी के खैर खाहों यूथ कांग्रेस सूबी अपने लीडर की जीतने पर खुशी का इजहार किया और जश्न मनाया गया। इस मौके पर बसवा कल्याण के मुअज्जज़ लीडर और म्यूनिसिपल काउंसलर जनाब गफ्फार पेशमाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया और सागर खंडरे की जीत को एक तारीखी जीत बताते हुए भिगवंत खूब की शिकस्त का राज और एक नौजवान कांग्रेसी लीडर की जीत की सच्चाई को अवाम के सामने रूबरू कर दिया। ऐसे देसी खबरें और अपने आसपास की मजीद खबरों से इस्तिफादा करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आज की जो ये जीत का आज की जीत का जो जश्न है ये जश्न दरअसल हमारे एक्स MLC विजय सिंह और हमारे रूरल और अर्बन के दोनों अध्यक्ष जो अपनी जुस्तुजू अपनी जो कोशिश करके जो है तमाम काउंसलर्स और पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बड़ी हिम्मत दिए और इस हिम्मत के ऊपर तमाम कांग्रेस पार्टी के जो है काउंसलर्स और कार्यकर्ता पूरे तालुके के अंदर विलेजेस और सिटी में जो काम किए उस काम का जो है जो आज नतीजा है कि जो है बसो कल्याण से इस मर्तबा जो कांग्रेस के कैंडिडेट को जो लीड मिली है वो लीड का जो श्रेय जाता है वो श्री विजय सिंह और हमारे रूरल और अर्बन के अध्यक्ष ये दोनों को जाता है ये तीनों लोगों को जाता है। तो लिहाजा मैं बसो कल्याण की अवाम और हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम काउंसलर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो है तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के हक में वोट करें और कांग्रेस पार्टी को बड़े मोहम्मद से जिताए। ये मैं अपने दो बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आदाब सलाम नमस्ते। आज बीदर जिले की जो MP कैंडिडेट की सीट थी उसका रिजल्ट आ चुका है जिसमें सागर खंडरे बड़े बहुमत से जीते हैं। तो ये बड़े बहुमत से जीतने का जो है जो मकसद था और जो ये रास्ता बना उसकी वजह भगवंत खोबा और शरणु सलगर है। वो कैसे मैं बताऊं आपको, जब MP इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो जो है भगवंत खोबा जी ने एक बात कही बीदर में एक मीटिंग में। क्या बात कही? तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए भगवंत खोबा ने जो है अपनी मीटिंग के अंदर जो बाज़ाब्ता न्यूज में है आप देख सकते हैं कि जो है मुसलमान पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दे, जबकि आपके प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं और आप जो है बीदर जिले के मुसलमानों को ये बोलते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दे। दूसरा, आप नामिनेशन डालने के बाद भगवंत खोबा जी बीदर के गणेश मैदान में जो प्रोग्राम हुआ उसके अंदर जो है बसो कल्याण के शासक श्री शरणु सलगर जी ने एक बात कही थी, अफजल तेरे खातिल जिंदा है हम बहुत शर्मिंदा है। अरे अफजल गुरु जी हमारा लेना ना देना, मगर जो है ये धोबीकरण करना हिंदू मुस्लिम करना करके जो है कांग्रेस में जो है फूट डालना मुसलमान और हिंदू में फूट डालकर जो है ये सीट जीतना ऐसे मकसद से जो है ऐसी बात कही गई थी। मगर यहाँ के बीदर जिले के मुसलमान और तमाम हिंदू भाई दलित भाई मिलकर जो मेहनत किए उसका जो है ये रिजल्ट है। तो ये जो है मैं सबसे पहले भगवंत खोबा को और शरणु सलगर को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने ये बात कही और हमारा हौसला बढ़ाया और हम अच्छी वोटिंग की है। मैं ये दो बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। कांग्रेस जिंदाबाद। दोनों 3 लाख पार बोले थे ना, उनको क्या मालूम है पढ़ाई से खाप पढ़ना बोल के सोच रहे थे, उनको
1,47,000 से हुआ, हमको 3,00,000 से लीड लेते थे, उनको क्या मालूम। बाद में उन्होंने क्या, ये लोगों को क्या, खाली दाब रोब भी आदमी को भयका नहीं जाते। बीजेपी कहा लीजिए, उनके बड़े लीडर महात्मा गांधी जी जो हिंदुस्तान के 140 साल पहले के कांग्रेस में, तो उन्होंने 82 में फिल्म बनाया तो लोग पहचानते बोले, तो ऐसे झूठ लोग हैं, उनका उसका भी झूठ है, उनका बॉस ही झूठ है, तो सुधर क्या है, हर वक्त झूठ बोलने का काम है। अब उन्होंने बोला था 442 के अंदर ही है, और फिर भी गवर्नमेंट उनकी मिले हुए है, मिशनरी उनकी है, और उन्होंने हमेशा बदमाशी के सिवा कोई काम नहीं करता। आप देखेंगे चंदगिरी में भी अपने कॉर्पोरेशन को आठ वोट विजिट करे थे, उनकी बहुत बदमाशी है। अगर बैलेट पेपर से होना था हम अभी भी बोलो ना, हम 300 पार के आगे जाते थे। और जय हिंद जय कर्नाटक। ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 5 ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ಅದರ ಒಂದು ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವೋಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನಿತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38,000 ಅಂತರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 9,457 ಮತಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶಾದಾಬ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಸವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೇ 2024-25 ಕೆ ಲಿಯೆ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಯುಕೆಜಿ ಪಹಲೀ ಸೇ ಆಠವೀ ಜಮಾತ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ದಾಖಲೆ ಶುರು ಹೋ ಗಯೆ. ಲಡ್ಕಿಯೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಲಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಯತೀಮೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮುಫ್ತ್ ತಾಲೀಮ್. ಅಪ್ನೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೆ ರೋಶನ್ ಮುಸ್ತಕ್ಬಿಲ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಲ್ದಿ ಕರೇ.